शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। देखो ना, इतनी छोटी सी बात के लिए आपको सस्पेंड कर दिया क्या रे? हाँ, कल तेरे को कितना पैसा मिला बोल बोल साहब को? एक खोखा। हाँ, क्या किया ये? क्या किया साहब ये? एक बंगले पे 3 बार फोन किया, खोखा घर पर आ गया जगह पे। चुप करेगा क्या? हो हो, डर गया मैं साहब। मैं डर गया साहब। अब वो भैया के आइटम नहीं किया है सब कुछ। करता हूँ साहब, मैं करता हूँ कुछ। कबीर, तुम कल से अकेले मत आया करो। क्यों? सलीम के साथ आया करो। क्या हुआ, क्या देख रहे हो? वो पक्का तुम्हारे पीछे था। अपना तो यही हिसाब है भाई, 100 बार डराने का, 1 बार दे डालने का। बिल्कुल सही भाई, डाल दो साले को। क्या बात कर रहे हो, मैंने तो किसी को नहीं देखा। चलो चलो ऊपर चलो। तो है। अरे कबीर कहाँ है? ये तो पता नहीं, लेकिन इतना पक्का है कि जहां भी है, जैसा भी है, जीवित। ये एक जैसा तुम्हारे का क्या? बुलशिट। ऐसे कैसे कोई पुलिस वाला से कहीं भी ले जा सकता है? वी वोंट टॉलरेट ऑल दिस। हाँ, आप देखिए कल मैं उसको मीडिया के सामने कैसे एक्सपोज करती हूँ। तनिक बात करे के हो तो किसन किया अकेले में। अरे वो इंस्पेक्टर लाल है ना, वही, वो कबीर की जान की कीमत मांगता है। तो हमको बताइए, हमको बताइए ना, कहा चाहता हो, कितना पैसा चाहिए उसको फिरौती में? अरे पैसा चाहिए होता तो हम उसके मुंह पे मार के आते कि उस ससुरे को तो आपका तबेला चाहिए। का? हाँ हाँ, आपका तबेला। किशन भैया, ये मुंबई है, यहाँ दिल से नहीं दिमाग से जिया जाता है। हमको मालूम है उसने हुदा से सौदा कर लिया है। कौन बूढ़ा? बिल्डर? हाँ, यहाँ इस लंका में जिसे देखो वही 52 गज का निकलता है। पर हमने भी कह दिया है कबीर के जान पे 100 तबेले कुर्बान। पर नहीं किशन भैया, सर सलामत तो 1000 पगड़ी। आप हमसे कहिए, अब हमसे कहिए ना, जान दे दें, आहुति दे दें, अनशन कर दें, क्या करें बोलिए तो। हम जानते हैं अंत में सत्य का ही विजय होगा, पर इस सत्य के बदले कहीं कभी ना खोना पड़े। वैसा आपको करना है? काल किसी का समय नहीं देखता, जो करना है जल्दी कीजिए। हरि का नाम सत्य। पंडित जी, बेटा जिंदगी में ऐसे कई मौके आते हैं, हमें निपटना पड़ता है ना? हाँ जी। और वो सामान उठा लो वहां से। और हीरा से कहो ये सामान। विशाल भैया, एक बात बता, क्या हम सच में ये तबेला छोड़ देंगे हमेशा के लिए? जुंगूर,
काहे रोते रहे तू? अरे तो का किशन भैया ने एक बार बात समझाई तो का समझ में नहीं आई? अरे तो का तबीला ज्यादा प्यारा है कबीर भैया की जिंदगी? रोता है, बड़ा है रोने वाला। चल समझ मन, चल निकल यहां से और रोना दोनों बंद कर। गई भैंस पानी में, गई रे गई, गई रे गई भैंस पानी में, गई रे गई। ससुरों की भैंस ही पानी में चली गई। कह रहे तू भी तो भैया ही है ना? हाँ, तो तेरे को तो उनका साइड लेना चाहिए ना। अरे ले तो रहा हूँ, कहा था जिंदा भाई लौटा दूंगा, लौटा रहा हूँ। अरे भाई हर धंधे का वसूल होता है। किशन, हम डिवाइन कंस्ट्रक्शन के लोग हैं, हमारी डीलिंग हमेशा ये लोग बिना किसी की नहीं होती। आप डरिए मत, हरि का नाम सत्य है। सब ठीक हो जाएगा किशन भैया, चिंता करने का कोई बात नहीं है। हरि को माया है, आती जाती रहती है। भाई जिंदा बच गया, बहुत बड़ी बात है। किशन जी लीजिए, आप यहां से साइन करना शुरू कीजिए। दस्तखत करना आता है ना? देखिए एक बार हमारे कबीर को तो दिखा दीजिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, पहले साइन तो कर दो, भाई को भी मिलवा देंगे। तुम लोगों को अभी कबीर को देखना है? हाँ हम लोगों पे भरोसा नहीं क्या? अरे अभी तक जिंदा है वो, मारा नहीं उसे। अरे कमाल करते हैं आप, दिखा दो भाई को। भाई का सवाल है, है? ये लोग भी ना सच्ची यार। हाँ लाल साहब किधर हो आप? ऊपर ही आ रहा तुम लोग के पास। अरे नहीं 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 उधर ही रुको आप, उनको भी वापस कबीर को देखना है। तुम लोग ही बहुत नल्ले आइटम हो। अरे बहुत पका रहे हैं, अभी तक तो पेपर नहीं साइन करवाया। ए संसार है, गाड़ी लेके आ। बुला उसको। आओ दर्शन करो। ए उठ रहे, नाटक नहीं कर, ये संसार है इसको सीधा कर। सीधा बैठ रहे। देखा जा साइन कर, अभी देख लिया ना, अब साइन करो पेपर्स। जाना है ए हुड़ा सा, पेपर साइन करवाइए। कितनी बार प्यार से समझाया था तबेला उधर शिफ्ट कर दो। अब वो जगह भी गई और तबेला भी। चलो चलो साइन करो। बोलो तुम लोग। ताड़े साहब, अरे उड़ा साहब धार पड़ गई पुलिस से। क्या तबका हो गया? चलो पकड़ के चलते हैं। ये वकील लोग पेपर फाड़ दे साहब। यशवंत आप लोग यही रुकिए, साहब की हिफाजत के लिए। Malti Desai, anti-extortion sir. Raise your hands a bit more. You're under arrest. Kabir? Bas. Bas.
चुप, लाल साहब, क्या बिगाड़ा था हमने आप? ईमानदारी से रहना का गुनाह है। एक छोटे आदमी को बड़े शहर में बड़ा बनने का हक नहीं है लाल साहब। ए भैया, मन कर अपना ये नौटंकी, प्यार से समझ नहीं आना तेरे को, भेजता हूँ साला तेरे को प्रदेश। और ये कैमरा, अपने आप को बरखा दत्त समझती है ना, दिखाता हूँ तेरे को एक्शन रिप्ले। देखिए चोट जो है सो है, बट आई थिंक ही इज साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड। ठीक ही है, वो बच्चा था, पढ़ का दर्द नहीं जानता था। उसको बहुत बेरहमी से मारा है इन लोगों ने। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। हेलो, ऑल वेल? यस, एवरीथिंग इज ओके। कबीर कैसा है? अब वो खतरे से बाहर है। हिज कंडीशन नाउ इज इंप्रूविंग। मैंने दवाइयों के लिए कह दिया है। He should be stable in no time. ठीक है। You please go ahead. Okay. I'll make a move. Thank you. अनु, तुम कैसी हो? I'm fine, Malti. How are you? मैं भी ठीक हूँ। तुम्हारे पास लाल के सराउंडिंग्स के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन है क्या? अभी तो नहीं है, but if you want, I can get you. Okay, will you do that, please? Yeah, sure. Thank you. यादव जी, कल आपको आना है ACP साहब से मिलने ऑफिस में। देखिए मालती जी, हम दूध बेचने वाले सीधे साधे लोग हैं। हम पहले से ही बहुत परेशान हैं। हमको ये कानून कायदे के पचड़े में ना फंसाइए। यादव जी, कानून है तो आज भी आपका तबीला आपके पास है, कायदा है तो आज आपका भाई जिंदा है, और हर आदमी आपकी तरह सोचने लगेगा तो कैसे चलेगा? हाँ अनु, समझाओ ना इन्हें। आप बस एक बार कोर्ट में आके गवाही दीजिए और फिर देखिए, ये सारे करप्ट ऑफिसर्स जेल के अंदर होंगे। और अब मेरी बात का यकीन मानिए, आप दोनों भाइयों को कुछ नहीं होगा। आप प्लीज घबराइए मत। अरे साहब, यकीन मानिए, वो स्पोर्ट्स में हमेशा अव्वल आती थी। और उसको NCC में इतना इंटरेस्ट था कि उसकी पढ़ाई पे असर होने लगा, मगर फिर भी वो रात रात भर जाग कर कवर कर लेती थी। मैं आपको एक बात बताऊं, माई डॉटर इज वेरी डेडिकेटेड। वो जितनी कड़क बाहर से दिखाई देती है ना, वो उतनी ही। अरे मालती बेटी, हम तुम्हारे बारे। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आइए हॉल में आइए। अरे नहीं नहीं, आप लोग बैठिए, मैं चलता हूँ, आप लोग बैठिए। देखो मालती, मैं तुम्हें यह समझाने आया हूं कि तुम खामखा मेरे केस को बड़ा कर रही हो। जरा ठंडे दिमाग से सोचो, आज तक इस देश में कोई पकड़ा गया है क्या? अब पिछले दिनों की बात ले लो, एक 7 साल की लड़की का बलात्कार हो गया था और कानून ने उस आदमी को अगले दिन ही छोड़ दिया, इसलिए कि उस लड़की ने चिल्लाकर यह नहीं कहा कि बचाओ बचाओ मेरा बलात्कार हो रहा है। कैन यू बिलीव दिस? और रही बात इन भैयों की, इनको तो एक फोन कॉल में मरवा डालू मैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम लोग दोनों एक ही डिपार्टमेंट के हैं, एक ही बिरादरी के हैं, एंड यू नेवर नो कौन किस वक्त किसके काम आ जाए। इसलिए इन भैया भैयों का टेंशन छोड़िए आप, इनका कोई अर्थ नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नो? फॉर मी ब्लैक इज ब्लैक एंड व्हाइट इज व्हाइट। वैसे आपकी रिपोर्ट कमिश्नर साहब तक पहुंच गई है और आपकी कल वहां पेशी भी है ना? अब जो होगा वहीं पर होगा। वैसे आप एक और कप चाय पियेंगे? गॉड ब्लेस यू। हेलो, ये किशन है करे दिखड़े? अबे भैये, किशन है क्या उधर? अगर उस भैये के वजह से हमारा साहब अगर सस्पेंड हुआ ना, तो तुम जितने भी उस MG रोड पे रहते ना, सबके अंदर ठोक दूंगा। समझा क्या? चल अभी फोन रख, चल।
अब कहने और सुनने को बाकी कुछ नहीं बचा। मिस्टर लाल, मैंने देखा है कि हमारे महकमे में आप जैसे बहुत से ऑफिसर आते हैं जो अपना एक लक्ष्य बनाते हैं, ईमानदारी और मेहनत से काम करते हैं, लेकिन बाद में वो अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। लेकिन सर मैंने ऐसा... मिस्टर लाल, आप डिपार्टमेंट से सस्पेंड किए जाते हैं। लाल के आंख, इसकी लाल अब पीला नहीं नीला पड़ गया ससुरा। राम कसम भगवान के घर तेर है, अंधेर नहीं। चल हट पाचू। अरे राजू ले मिठाई। ए, बंद कर इसको। बड़ा सोच, बड़ा बड़ा सोच बड़े को भी कभी कभी मिल जाता है खराब। कहाँ से डाल देंगे आप, कुछ है ही नहीं उधर। गवर्नमेंट का सामान था, ले गए वो लोग। ये साहब ये रख लो रख लो रख लो, इम्पोर्टेड है। हाँ साहब आप भी ना, इसलिए ऐसे इन छोटे लोगों के मुंह लगना ही नहीं चाहिए। ये साले छोटे लोग ना, कंधे पे बिठाओ तो कान में मुत्ते। साले आपका नौकरी भी साला केले की छिलके की तरह है, कभी भी उतरता है साला। देखो ना, इतनी छोटी सी बात के लिए आपको सस्पेंड कर दिया। क्या रे, हाँ कल तेरे को कितना पैसा मिला, बोल बोल साहब को। एक खोखा। हाँ क्या किया ये, क्या किया साहब ये? एक बंगले पे 3 बार फोन किया, खोखा घर पर आ गया जगह पे। चुप करेगा क्या? डर गया मैं साहब। मैं डर गया साहब। वो भैया के आइटम नहीं क्या है सब कुछ? करता हूँ साहब, मैं करता हूँ कुछ। कबीर, तुम कल से अकेले मत आया करो। क्यों? सलीम के साथ आया करो। क्या हुआ, क्या देख रहे हो? वो पक्का तुम्हारे पीछे था। अपना तो यही हिसाब है भाई, 100 बार डराने का, 1 बार दे डालने का। बिल्कुल सही भाई, डाल दो साले को। क्या बात कर रहे हो, मैंने तो किसी को नहीं देखा। चलो चलो ऊपर चलो। हेलो,
बहुत मुश्किल है भाई। वो साला हमेशा अपने छोकरे लोग के साथ घिरा रहता है।